दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथ ही आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और आज मैं मौजूद हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आज निजामपुरा वाले मामले के आज रिजल्ट आना था, केस नंबर 2008/2019 का। तो मेरे साथ इसमें मौजूद हैं हीरा फैमिली से मौजूद हैं इसमें नाजमा का बहुत बहुत स्वागत है आपका मातृभूमि टीवी पर। और आज आप सुबह से ही इस केस कोर्ट के रूम के अंदर मौजूद थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हुई है कोर्ट रूम में, बाकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मातृभूमि टीवी के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज कोर्ट रूम में अलहमदिल्ला सारे जिला सपोर्टर्स मौजूद थे, हमारे एडवोकेट्स मौजूद थे और हमारा नंबर भी आ गया अलहमदिल्ला सुनवाई के लिए। लेकिन उसमें जो पीजी है उन्होंने एफिडेविट रीड नहीं किया है, ये एक्सक्यूज़ दिया गया है, तो उनको रीड करने के लिए टाइम दिया गया है। फिर दिवाली हॉलीडे है और आईओ जो है वो आज इलेक्शन ड्यूटी की वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, इस वजह से नेक्स्ट डेट 22 नवंबर जज दे रहे थे, लेकिन हमारे एडवोकेट ने उसको 7 नवंबर करा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 7 नवंबर को जो भी है वो फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। अब देखिए कि अगर एफिडेविट रीड नहीं किया है पीपी साहब ने, तो वह उनको वक्त देने का जो है तो कानूनी अधिकार है उनका, वो दिया जाता है। उसमें हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि कानून में जो प्लस उनको मिला ही नहीं था, उनको एफिडेविट आज ही मिला, एफिडेविट उनको मिला ही नहीं था वो कह रहे हैं, तो उनको रीड करने के लिए टाइम चाहिए। तो ओके ठीक है, डेफिनेटली जब तक वो रीड नहीं करेंगे तो उस पर कोई सही जो भी है फैसला आ नहीं सकता है। लेकिन आप लोग इत्मीनान बनाए रखिए, इंशाअल्लाह लज़ीम जो भी होगा हमारे हक में ही फैसला होगा। और उम्मीद का दामन मत छोड़िए। और अब तक पूरी हीरा फैमिली ने एकजुट होकर जो हमारे घर को बनाए रखा है, उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से सब लोग हम उससे काम लेंगे और हक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद है फराना आपा। फराना आपा को बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। और जिस तरीके से आज आप भी एकदम सुबह से ही कोर्ट रूम में मौजूद थी, तो एक तो कोर्ट रूम में जो एक्टिविटी हुई तो सपना नजमा आपने बता दिया है। आप जो जो लोग आपको पूरे देश और पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो मैसेज देना, हम जब भी आते कोर्ट की अपडेट जो हमको पता चलता है कि कोर्ट में क्या चल रहा है, लोगों को घरों में बैठ के ऐसा लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, कभी लीगल टीम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि कभी डेट नहीं मिल रही है, कभी आज पीपी नहीं आया, कभी आयो नहीं आया, कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। तो मैं हमारे तमाम मेम्बर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि हम तो अलहमदिल्ला अपने घर पर जाएंगे, सुकून से अपने फैमिली के साथ रह रहे, कुछ इतना वो नहीं इफेक्ट हो रहा है। वो सोचिए औरत का जो जेल में एक साल हो गया है, उसको हर दिन पे एक उम्मीद रहेगी कि अब मुझे कुछ रिलीज मिलेगा, अब मुझे कोई राहत मिलेगी। उनकी फैमिली को ऐसा महसूस होता होगा कि अब हमारी बेटी, अब हमारी बहन को कुछ आज़ादी मिलेगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो आज बोलते ना पूरी उम्मीदों पे रहते हैं और बंधे हुए हैं, हम तो फिर भी अपने अपने फैमिलियों के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरे मेम्बर्स फैमिली मेम्बर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इत्मीनान बनाए रखिए, आपा गलत नहीं है इंशाल्लाह, और ये कोर्ट के ज़रिए हमको मालूम पड़ जाएगा। बस सब्र बनाए रखिए, इंशाल्लाह एक ही तरह इसी तरह रही, ये बैरिस्टर का दिमाग लगा के जिस तरीके से फंसाया गया, एक जगह नहीं जो मल्टीपल एफ आई आर हुई है, इसका रिएक्शन है और कुछ नहीं। अगर एक दो जगह होता तो बहुत आसानी से मिल जाती थी बे। इसलिए सब्र बनाए रखिए इंशाल्लाह, और आपा के ऊपर भी भरोसा रखिए, सबसे बड़ा अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हक की जीत। बस बोलिए, मेरा बोलेंगे। हाँ सही है, चलो थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। तो देखिए हमारे साथ ही नाजमा आपा, फरहाना आपा, इन्होंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है किस तरीके से आज हीरा गोल्ड कंपनी के जो एडवोकेट्स थे, तीन तीन एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद थे, और साथ ही साथ पूरे केस में अच्छी तरीके से उन्होंने फॉलो किया। लेकिन आज पीपी ने सब ये बताया कि उन्होंने एफिडेविट रीड नहीं किया है, तो ये एक उनकी इस बात को कोर्ट को मानना ही पड़ता है, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर में ये चीज़ आती है। अगर पीपीए बोले कि हमने रीड नहीं किया तो उसको मौका दिया जाता है। और दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, चूँकि इस समय महाराष्ट्र में इलेक्शन ड्यूटी चल रही है और सारे पुलिस बंदोबस्त बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के भी इस एक्सक्यूज़ को कोर्ट ने मान लिया है। लेकिन कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि अगर 7 नवंबर को
जिस तरीके से 22 नवंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन एडवोकेट्स ने जो अपनी लीगल टीम है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो नियरेस्ट डेट चाहिए तो नियरेस्ट डेट में उनको 7 नवंबर की डेट मिली, क्योंकि आप जानते हैं कि दीपावली की छुट्टी है, लगभग 2-3 तारीख तक ये छुट्टियाँ कंटिन्यू चलती रहेंगी। उसके बाद एकदम पहले वीक में ही 7 तारीख का डेट मिला है। 7 तारीख को ना तो एफिडेविट का एक्सक्यूज चलेगा, ना तो आईओ का एक्सक्यूज चलेगा, सिर्फ रिजल्ट का की बारी आएगी। तो दोस्तों देखते हैं 7 नवंबर को हम लोग इंतज़ार करेंगे क्या होता है, और जो भी खबर होगी मातृभूमि टीवी के माध्यम से इसी कोर्ट कंपाउंड से आपको मिलेगी। दुआ करिए कि उस दिन बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए मिले, और जो भी पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुद हाफिज। जय। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।